जैक। जी दादू आ गया। बताओ बुलाया आपने? उधर वो तेरी जो सगाई की ड्रेस है तूने ट्राई कर ली है? हाँ दादू वो ट्राई कर ली। अरे करण रागिनी तुम दोनों कोई बड़ा धमाका करने वाले थे ना, कोई मेरी सगाई में कोई बड़ा सरप्राइज। कहीं कोई सच में तो नहीं धमाका करने वाले हुँ? अरे यार मजाक कर रहा हूं। ओके ओके अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे और जय के पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। इन चिट्स में आप सबको हमारे लिए एक स्पेशल मैसेज लिखना है ताकि आप सबकी विशेष हमेशा हमारे साथ रहे। रेडी? ओ वाह, मैं बेस्ट लिखूंगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आध्या का प्लान कुछ और है। डन। चलो मैं इन चिट्स को रख के आती हूँ। एक सेकेंड मैं भी आता हूँ। आध्या क्या बड़ा सरप्राइज सरप्राइज प्लान करी मुझे बताया भी? मैं ये सब उस इंसान को ढूंढने के लिए कर रही हूँ। अगर ये सच में हमारा कोई अपना ही है ना तो अभी पता लग जाएगा कि कौन है। मैं ये चिट्स और उस लेटर की हैंडराइटिंग मैच करके देखूंगी, सच्चाई का पता चल जाएगा कि कौन है। चलो चलो। ऐसे तो आत्या को पता चल जाएगा कि वो लेटर मैंने ही लिखे, मुझे कुछ भी करके वो लेटर वहां से लेना ही होगा। रागिनी कुछ भी करके जय और आद्या को रोको, इट्स वेरी अर्जेंट। जय आद्या क्या? वो मैं बात करने आई थी कि वो तुम्हारे मॉम डैड नहीं आए ना अभी तक, कल सगाई है। हाँ वो एक्चुअली लो माँ का ही फोन है, एक सेकेंड। हेलो। हाँ माँ। अच्छा ठीक है मैं सबको बता दूंगी। ओके बाय। इधर रख दिया ये लेटर, आते रहे कहीं नहीं मिल रहे। मुझे इन दोनों को रोकना पड़ेगा जब तक करण वो लेटर ना ढूंढ ले। क्या हुआ आदेश, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ वापस आ रही है, बट पापा को कुछ कोचिंग का अर्जेंट काम पड़ गया इसलिए वो सगाई तक ही आ पाएंगे। तो क्या हुआ, सगाई तक तो आ ही जाएंगे ना अंकल, तो ठीक है। और आंटी को मैं पिक कर लूंगा। ठीक है चलो मैं आता हूँ। कुछ मैं भी आती हूँ, मुझे कुछ काम। आई होप करण को वो लेटर मिल गया हो। शिट डैम। करण ने मैसेज किया था कि अभी तक उसे वो लेटर नहीं मिला, अब मुझे किसी भी तरह आध्या को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा।
आद्या, वो लहंगा ऑल्टर कराया, कल सगाई है ना? हाँ, वो एक्चुअली करवा नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अरे ये तो फटा हुआ है। क्या, ये कैसे हुआ? जो रूपा आंटी ने मुझे दिया था तब तो ठीक था, फिर ये अचानक से, कल मेरी सगाई है, कैसे हो गया? आद्या पैनिक मत हो, दिखाओ मुझे, ये आराम से ऑल्टर हो जाएगा। एक काम करो, फटाफट अभी जाओ और टेलर के पास इसको ऑल्टर करा लो, ठीक है? चलो कम ऑन। तो हम चलते ना, फटाफट करवा के लेंगे। अगर हम दोनों चले गए और पीछे से आंटी आ गई तो? तुम जाओ और ये करा लो, ठीक है? आध्या के साथ जाओ और जब तक मैं मैसेज ना करूं, मेक श्योर वो वापस ना आए। मैं कहीं नहीं जा रहा। ना कहने का ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, जानते हो ना करण क्या करेगा? क्या करेंगे करण रागिनी? कुछ नहीं, एक्चुअली ये तुम्हारे साथ जाने में ना बहुत नखरे कर रहा है। मैं से थोड़ा सा डरा रही थी कि ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो करण जादू से इसको तोता बना देगा। विहान प्लीज चलो ना, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, प्लीज ना। विहान मेरी सगाई है, कम ऑन चलो। विहान को आध्या के साथ भेज दिया। जय भी बाहर गए। करण हमें कैसे भी करके ये लेटर ढूंढना होगा, इस समय हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। मित्तल परिवार से बदला लेने का पहला और आखिरी मौका है। आध्या, अरे करण तुम? अरे जय, आप यहाँ? आई थॉट आप आद्या की मॉम को पिकअप करने के लिए जाने वाले थे ना? हाँ, वो जाने तो वाला था पर पीके और दिया ने जिद किया कि उन्हें जाना है। मैं सोचा चलो चले जाओ, तुम लोग भी टाइम स्पेंड कर लोगे और मैं भी थोड़ा आद्या के साथ टाइम स्पेंड कर सकूंगा। पर आद्या है कहाँ? मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, तुमने देखा क्या? जय, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड बट रिलैक्स, आपकी आद्या से एंगेजमेंट होने वाली है ना, और आद्या अब पूरी जिंदगी के लिए आपके साथ आपके घर में ही रहने वाली है। वो तो हम हैं जो कल आपके एंगेजमेंट के बाद यहां से चले जाएंगे। अरे यार, यू नो व्हाट, दिस मोमेंट रियली नीड्स टू कॉल फॉर अ सेलिब्रेशन फॉर द अमेजिंग टाइम वी हैड हियर, एंड अबव ऑल जय इज गेटिंग एंगेज्ड टू आद्या, एंड माइंड यू इस बार हम भी आपका साथ देंगे। Cheers, my bro. जय, आज हम कुछ मैन टू मैन टॉक्स करते हैं। Yeah, why not? कुछ ऐसे सीक्रेट्स शेयर करते हैं जो हमने आज तक अपने अलावा कभी भी किसी से नहीं किए। So let's start. शुरू कीजिए आप, पूछिए। मास्टर जी, ये ना मेरा लहंगा है, इसका ना थोड़ा बॉर्डर ठीक करना और थोड़ा ऑल्टरेशन करनी है, प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। मैडम ये अभी नहीं हो पाएगा, अभी तो दुकान बंद करने का टाइम हो गया, आप कल ले लीजिए। मास्टर जी कल ही तो मेरी सगाई है और मुझे यही लहंगा पहनना है, प्लीज कर दीजिए ना। अगर डबल पैसे चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगी। अभी करके देता हूँ। जय और आद्या वापस आए उसके पहले लेटर ढूंढना होगा। I wish वो लेटर रागिनी को जल्दी से मिल जाए। जय, मैंने सुना है कि आप बहुत ही हार्ट थ्रब और कन्हैया टाइप थे। I mean, आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स नहीं है। Would you like to show some light on that? ये नहीं बोलूंगा कि गलत है, बात तो सही है, थी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी पर कुछ भी सीरियस नहीं था।
इनफैक्ट सच बताऊं तो कईयों का तो नाम भी याद नहीं है मुझे। लेकिन पता है, जब से आध्या मेरी लाइफ में आई है ना, ना तो गर्लफ्रेंड्स रही हैं और ना ही उनकी बातें। करेक्ट, आई मीन बीती बातें याद रखकर भी क्या फायदा। राइट, लेकिन मैं तुझे तेरी गलतियां याद दिला के रहूंगा जय मित्तल। बस एक बार वो लेटर रागिनी को मिल जाए, उसके बाद हम तक पहुंचने का कोई प्रूफ नहीं होगा तुम्हारे पास।